इस वाली गाड़ी को गाइस मुझे लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना है, तो क्या करूंगा? बीच वाले मिलर में देखा कोई गाड़ी नहीं है, और लेफ्ट साइड वाले मिलर में देखा कि लोकेशन सही है और कोई गाड़ी नहीं, तो लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर जलाऊंगा बहुत सही तरीके से, अपना लोकेशन जज करते हुए इस तरीके से अपनी गाड़ी को ओवरटेक कर सकता हूँ लेफ्ट साइड से। सो गाइस अभी मुझे इस वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो क्या करूंगा? मैं पहले सही तरीके से राइट वाली मिलर में देखूंगा कि कोई गाड़ी आ रही नहीं, जो आ रही तो मुझे रुकना होगा, और बीच वाले मिलर में देखूंगा। अभी यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही तो राइट साइड का इंडिकेटर जलाऊंगा और बहुत सही तरीके से लोकेशन लेते हुए इस तरीके से मैं अपनी गाड़ी का मेन पोजिशन लेते हुए निकल जाऊंगा। तो ये सही तरीका होता है गाड़ी को निकालने का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। सो गाइस आज मैं एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि हाईवे पे गाड़ी को कैसे कंट्रोल करें और कितनी जजमेंट सही तरीके से ले, जो कि हम अपनी गाड़ी को ओवरटेक करके निकाल सकते हैं। तो क्या सही तरीका होता है, कैसे जजमेंट लिया जाता है, क्या क्या सावधानी रखनी जाती है, कितनी दूरी से हमें गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो गाइस इस वीडियो के मध्य से आप सभी लोगों को मैं ये वीडियो के मध्य से इतनी जानकारी देने वाला हूँ कि गाइस आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सही तरीके से लोकेशन आपको इतनी अच्छी मिलेगी कि आप कहोगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो गाइस आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर लाइक करें, कमेंट करके गाइस जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो गाइस आप सभी लोग मेरी वीडियो पर बने रहे। अब यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो है बहुत बड़ा ट्रक खड़ा हुआ। अब यहाँ पे हम कैसे गाड़ी निकालेंगे, तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो गाइस पहले हम अपने लेफ्ट वाले मिलर में देखेंगे, तो अभी एक ये बस आ रही है, इसको क्रॉस हो जाने देंगे और सही तरीके से निकल जाएगी, तभी हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस इस तरीके से हमारे बगल से एक गाड़ी जो बस है निकल गई, और उसके बाद एक गाड़ी और फोर व्हीलर निकल गई, और फिर देखेंगे गाइस बीच वाले मिलर में कोई गाड़ी नहीं है, लेफ्ट वाले मिलर में देखेंगे कोई गाड़ी नहीं है बट बहुत दूर है, और लेफ्ट वाला इंडिकेटर जलाएंगे, वो बहुत सही तरीके से अपनी गाड़ी का जजमेंट लेते हुए बहुत आसानी से इस तरीके से हम अपनी गाड़ी को इस तरीके से सही तरीके से अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। तो ये सही तरीका होता है गाइस गाड़ी को निकालने का। गाड़ी को सही तरीके से ओवरटेक कैसे करें, अपने बीच वाले मिलर में देखें, लेफ्ट वाले मिलर में देखें, राइट वाले मिलर में देखें, तभी लोकेशन लेके गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं सही तरीके से। जब ओवरटेक करते हैं तो हमारी गाड़ी का जो पूरा जजमेंट होता है उस तरीके से हम अपनी गाड़ी का सही लोकेशन ले पाते हैं, जबकि हम सही तरीके से ओवरटेक करने का यही तरीका है। क्योंकि गाइस जब हमें पता होता है कि मिडिल पॉइंट हमारा कौन सा है, तभी हम गाड़ी में अपना सही तरीके से लोकेशन लेके अपनी गाड़ी को हम ओवरटेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को सही तरीके से ओवरटेक करें। यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं कि एक हमारी लेफ्ट साइड से गाड़ी ओवरटेक करके निकल गई। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड, मेरे राइट साइड जो है एकदम सामने जो है एक बहुत बड़ा ट्रक चल रहा है, उसको मैं ओवरटेक करूंगा, तो क्या क्या जजमेंट लेना है मुझे? तो पहली चीज मैं पीछे वाले मिलन में देखूंगा कोई गाड़ी पीछे नहीं, और लेफ्ट साइड मिलन में देखूंगा कोई गाड़ी नहीं है। बहुत ही सही तरीके से कम 50 मीटर दूरी से ही मैं लोकेशन सही तरीके से लेके और लेफ्ट वाला इंडिकेटर जलाऊंगा और सही तरीके से अपनी गाड़ी को ओवरटेक करूंगा। अपनी गाड़ी का जजमेंट लेते हुए जो हमने अपनी गाड़ी में मिडिल पॉइंट बनाया हुआ है उसको सही तरीके से, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मेरा मिडिल पॉइंट है व्हाइट पट्टी के पास आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके से मैं जब अपनी गाड़ी को लोकेशन सही लेके निकलूंगा तो आराम से मेरी गाड़ी निकल जाएगी। क्योंकि जब गाड़ी को क्रॉस करते हैं तो गाड़ी को हैरान जरूर देना है कि जो कि हमारी गाड़ी निकल रही है तो सामने वाले बंदे जो राइट साइड से गाड़ी है उसकी समझ में आ जाए, या एक बार उसके नजर में ये हो जाता है कि वहाँ कोई गाड़ी पीछे से ओवरटेक कर रही है, तो उससे गाइस क्या होता है कि जो कि हमारी लोकेशन सही है बट जो सामने से बगल से गाड़ी जो जा रही है उसका लोकेशन क्या है उसी को पता होगा, और मेरी गाड़ी का मेरा लोकेशन पता होता है। तो जब हम लोग हॉर्न दे देते हैं तो वो जो बगल में गाड़ी का ओवरटेक किया जा रहा है उसको सही तरीके से पता हो जाता है कि हाँ इस तरीके से बगल में कोई गाड़ी हमारी आ रही है, जो जिस साइड होगी तो उसी साइड से वो बंदा उसको जाने देता है। सही जजमेंट जब हम अपनी गाड़ी का ले लेते हैं तो उस समय सही सिचुएशन में गाड़ी को ओवरटेक हो जाती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट
राइट साइड से एक बाइक हमारी निकल गई है बहुत सही तरीके से। अब गाइस यहाँ पे आपको एक फोर व्हीलर देख रही होगी जो कि मैं अभी यहाँ पे ओवरटेक करूंगा इसको। अब यहाँ पे गाइस देख लीजिए, अब मैं क्या देख रहा हूँ, राइट साइड मिलर में आपने देखा कि बहुत दूर ट्रक है जिसको मैंने ओवरटेक किया था, और बीच वाले मिलर में देखूंगा कि जो कि वही ट्रक है जो कि मैंने ओवरटेक किया था। अब गाइस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, राइट वाला इंडिकेटर जला के राइट साइड अपनी आऊंगा, जो बीच वाली डैश डैश करके पट्टी है उससे राइट साइड आऊंगा, और जब हमारी गाड़ी सही तरीके से आमने सामने होगी तो हम गाड़ी को उसको हॉर्न देंगे। अब यहाँ पे गाइस देख लीजिए, ये जो मेरा मिडिल पॉइंट है मैंने अपनी गाड़ी में जज किया है, तो मुझे ये लग रहा है कि मेरी गाड़ी जो है यहाँ पे व्हाइट वाली पट्टी के सामने है। अब इस तरीके से मैं अपनी गाड़ी को निकाल रहा हूँ यहाँ पे सही तरीके से, मैंने हॉर्न दे दिया है तो उस वाले बंदे को पता हो गया है कि हाँ ये गाड़ी ओवरटेक कर रही है। तो जब गाइस हमें, अब आप देख सकते हैं बहुत सही तरीके से पूरा जजमेंट लेते हुए मैं अपनी गाड़ी को इस तरीके से ओवरटेक करते हुए निकल गया। तो गाइस जब हम लोगों को पता होता है कि हमारी गाड़ी का जजमेंट कितना सही होगा और क्या सही तरीका है गाड़ी को क्रॉस करने का और क्या लोकेशन रहेगी जो हम अपनी गाड़ी को ओवरटेक करके निकालेंगे, गाइस जब हमें पता हो जाता है तो हमें कोई प्रकार से किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हमारे जो गाड़ी को हम ओवरटेक करते हैं उससे बहुत सही तरीके से हम अपनी गाड़ी को लोकेशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी गाइस आराम से अपनी गाड़ी का ओवरटेक करें, और सही लेंथ में जब हम अपनी गाड़ी को चला लेते हैं, जब कायदे से चला लेते हैं, तो गाइस हमको सही तरीके से जजमेंट लेना आ जाता है। तो गाइस इस तरीके से मैं लेफ्ट उतरूंगा यहाँ पे, तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर दे दिया है अपने बीच वाले मिलन में, पीछे बहुत दूर गाड़ी है और लेफ्ट वाले मिलन में देखा जो कि सही है, बीच वाले मिलन में देखा सही तरीके से लोकेशन लेके मैं निकल गया हूँ। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी गाड़ी का सही तरीके से लोकेशन ले सकते हैं और सही तरीके से आप अपनी गाड़ी का ओवरटेक कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो शेयर और लाइक करें, कमेंट करके गाइस जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। ओके बाय, जय हिंद।